गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे और मैं और मम्मा मिलके बना रहे हैं पूड़ियाँ। तो आइए लेते हैं पूड़ियों का मजा। तो आज हम क्या करने वाले हैं ये देखने के लिए एंड तक हमारे साथ बने तो अब आप रहिएगा। सोच रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं। तो हम मल्टीग्रेन आटे को व्हीट फ्लोर के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो चलो करते हैं, होली होली इनको मिक्स कर लो और फिर उसके बाद दोनों की कुश्तियां करवा लो। और जब ये हो जाए तो ये दोनों ये तैयार है। और तो हम यही आटा यूज करते हैं रोटियां बनाने के लिए। ये हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। आप भी ये आटा यूज करो और हेल्दी रहो। चल यार सफाई करते हैं, बहुत गंद मचा हुआ है अंदर। यार ये देखना है छोटी ने कितना गंद डाला हुआ है। ये सारी पेंसिल वेंसिल सब स्केच करती है, यहीं पे डाल देती है। बोला ये भी गिर गया। ठीक क्या बनाया इसमें? वाह यार देख कितने से स्केच बनाए हैं सच में, है ना। सफाई करने तो ये यहाँ से पूरा सामान उठा, सीमेंट मैं प्राइस वगैरह को यहाँ पे निकालती हूँ बाहर, इनका भी डस्टिंग कर दें थोड़ा, तो हमारी केवी की यादें कुछ ताजा हो। इतना गंद डालती है यार, स्केच कभी भी उठा तो देना चाहिए यार, कितना गंद डालते हैं। तब तक मैं प्राइस निकालता हूँ, बहुत लेट हो गया पता है। केवी की प्राइस कुछ याद आ रहा है यार, कितना मेहनत किया इन प्राइस के लिए, जस्ट देख कितनी डाली है, वैल्यू नहीं है तुम लोगों इस चीज की। जैसे दिन होते थे ना हम लोग क्या करते थे ना, वो कबड्डी याद है जो हम कबड्डी खेलते थे। हम लोग कबड्डी के लिए तो फेमस है, तुझे ये मेमोरीज होती है यार। यार ये देख ये मेरे ज्योतिपुर का एसलाल का मेहनत करते थे प्राइजों के लिए, और हमें कितना था, अगर हमें सेकंड मिल जाता था ना तो हम कितना बोलते थे यार फर्स्ट क्यों नहीं मिला। तू मैं कन्याकुमारी, ये हमने कश्मीर से लिया था, देखो सही है। देखा कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी। ओह माय गॉड यार सफाई करे, क्या गिर रहा है ये, कुछ निकाल दिया। वेरी गुड, सॉरी तुम ज्यादा बड़ा मुश्किल गिरा, ये मैंने भी तोड़ा, ये खुद ही गिर गया। ये देखो ये कछुआ आपको पैसे देगा, इसको रगड़ कर। ये कितना हैवी है, इसका कॉइन बने हुए हैं, कॉइन है। ये देख मैंने क्या बनाया था, झूला, इसमें एनिमल्स। हां पहले बता ये बनाया किस से, तूने? ये मैंने आइसक्रीम स्टिक से बनाया था। तुम आइसक्रीम खाती थी और सारी स्टिक्स संभाल के रखती थी ना। हाँ तो ये देखो इसके अंदर बारबी भी बैठी हुई है, कैसे ना, अच्छा अच्छा लग रहा है। ये मेरा टैलेंट है, यू नो टैलेंट। वाओ ये देखो मैंने फ्लावर भी बनाया, दिख रहा है दिख रहा है कितना अच्छा फ्लावर इसके अंदर रखा था यहाँ पे। ये पता है पेन स्टैंड है, इसके अंदर पेन रखते थे और यहाँ पे लाफिंग बुद्धे को मैंने दिखा दिया। अच्छा नहीं है, अगर हम टेडी टैटू। ओह माय गॉड यार ये मेरा फर्स्ट टैटू था, क्यूटी 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 क्यूटी। क्लास के बच्चे है ना जो टीचर्स डे हमारे स्कूल में, तब उन्होंने दिया था ये फोटो फ्रेम। यही गंद डालती है इतना, यही करती है स्केच, चुम्मी तेरे को भी चुम्मी, कितनी क्यूट थी यार ये बचपन में। और तुझे पता है हाथ में लगाने थी, चुम्मी भी नहीं देती थी, सबसे चुम्मी लेनी पड़ती थी। हाँ ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है जो मुझे बर्थडे पे दिया मेरी फ्रेंड ने, वी लव यू मॉम, लव यू। और ये मेरा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे टू यू मुगल, क्योंकि मेरे को सारे मुगल बोलते हैं। किसे दिया? मेरा वाला ने दिया था बर्थडे, बर्थडे पे दिया था, दीपिका मैम ने दिया था मुझे। ये भी फोटो फ्रेम है, इसमें भी फोटो लगा सकती है। वाओ नाइस, वाओ अच्छा राफिया, हाय अपनी राफिया। यार राफिया उसको बोलना मेरा मैसेज देना यार, बोला सानिया बोली थी मैं तुझे मिस कर रही हूँ यार, बहुत अच्छा नाइस। चलो मैं तुझे देती रहती हूँ, तू लगाती रहे। अभी काम कितना बचा हुआ है जी, ये मैंने शो के सेट कर दिया हुआ है, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना ये मुझे ऐसे ही दिखना चाहिए। सुन रही है?
आपने देखा कि आज हमने अपने मेसी से रूम की कैसे सफाई की है, तो मुझे लगता है आप वो फाइनल लुक तो देखना ही चाहते होंगे। तो चलो दिखाते हैं अपने रूम का फाइनल लुक। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना और अपना प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही देते रहना और हमारे साथ जुड़े रहना। तो हम मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।